नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। साल 2020 बॉलीवुड के लिए काफी मनहूस साबित हो रहा है। बीते कुछ महीनों में बॉलीवुड ने अपने दिग्गज कलाकारों को खो दिया। अभी लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत से उभरे भी नहीं थे कि लेजेंड कोरियोग्राफर सरोज खान ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। खबर है कि सांस की शिकायत के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की देर रात 1:52 पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया। सरोज खान का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उनके फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सितारे भी नम आंखों से ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने लिखा है, हाथ जुड़े हैं, मन अशांत। उन्होंने सरोज खान का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इस ट्वीट में उनका दर्द साफ झलक रहा है। इसके बाद अक्षय कुमार भी लिखते हैं कि इस बुरी खबर के साथ जागा हूं कि कोरियोग्राफर सरोज खान जी नहीं रही। उन्होंने डांस को बहुत आसान बना दिया, जैसे कोई भी डांस कर सकता है। इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा नुकसान। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, डांस की मलिका सरोज खान जी अलविदा। आपने कलाकारों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बहुत खूबसूरती से सिखाया कि इंसान शरीर से नहीं दिल और आत्मा से नाचता है। आपके जाने से डांस की एक लय डगमगा जाएगी। मैं पर्सनली ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी मीठी डांट को भी बहुत मिस करूंगा। एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ने भी अपना दुख जाहिर करते हुए लिखा है, रेस्ट इन पीस सरोजी। मुझे आपके द्वारा कोरियोग्राफ किए जाने का मौका मिला, इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। भगवान आपके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। इनके अलावा विवेक रंजन अग्निहोत्री, सुनील ग्रोवर, निमरत कौर जैसे कई सितारे इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली सरोज खान ने करीब 2000 से ज्यादा गानों में कोरियोग्राफी की है, जिसके लिए उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बताते चले कि आखिरी बार उन्होंने फिल्म कलंक के तबाह हो गए गाने को कोरियोग्राफ किया था, जिसमें माधुरी दीक्षित नजर आई थी।